दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विक्टोरियन एज की एक बहुत ही फेमस पॉइट कपल रॉबर्ट ब्राउनिंग और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की लाइफ को। दोस्तों ये विक्टोरियन एज का बहुत ही फेमस पॉइट कपल था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि विक्टोरियन एज में प्रोज राइटर्स बहुत थे, पोएट्री राइटर्स कम थे। तो ये उन कुछ पोएट्री राइटर्स में से थे जो कि बहुत ही हाई पोजिशन पर थे उस वक्त। मैं आपको बता दूँ कि रॉबर्ट ब्राउनिंग के तो बहुत सारे फॉलोअर्स थे ही दोस्तों, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के भी बहुत सारे फॉलोअर्स थे यूएस में, जैसे कि एडगर एलन पो ने और एमिली डिकिंसन भी इनसे स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस थी। तो आज हम इन सबको डिस्कस करेंगे, शुरू करते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग दोस्तों अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बाद में विक्टोरियन एज में सबसे बड़े पोएट थे, एक प्लेराइट भी थे। इनके फादर का नाम भी था रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में एक क्लर्क थे जिनकी सैलरी अच्छी खासी थी, और इनके ग्रैंडफादर वेस्ट इंडीज़ के स्लेव ऑनर थे। लेकिन ब्राउनिंग के फादर को ये स्लेवरी वगैरह पसंद नहीं थी, तो इन लोगों के वेस्ट इंडीज़ से भी कुछ कनेक्शन रहे हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग के फादर की एक लाइब्रेरी थी जिसमें लगभग 6000 बुक्स थी, कुछ तो बहुत ही रेयर बुक्स थी। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग एक ऐसी फैमिली में बड़े हुए थे जहाँ उनकी लिटरेरी रिसोर्सेज तक पहुँच ठीक ठाक थी। इनकी मदर का म्यूज़िक में इंटरेस्ट था और इनके फादर ने इनको लिटरेचर की तरफ इनक्रेज किया, तो दोनों में इनका इंटरेस्ट बढ़ा। फिर लिटरेचर में एक्सपेरिमेंट करते हुए 12 साल की एज में, सिर्फ 12 साल की एज में ब्राउनिंग ने अपनी बुक ऑफ पोएट्री को लिखा, लेकिन कोई पब्लिशर नहीं मिला इनको, तो इन्होंने उस बुक को डिस्ट्रॉय कर दिया। स्कूल जाने में भी इनका इंटरेस्ट नहीं था, तो घर में ही पर्सनल ट्यूटर बुलवा कर इनको पढ़ाने आता था वो ट्यूटर, जो कि इनके फादर की लाइब्रेरी में से बुक्स में से इनकी पढ़ाई करवाई गई। सिर्फ 14 साल की एज में ब्राउनिंग फ्रेंच लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोलने लगे थे। इसके अलावा ग्रीक, इटालियन, लैटिन, ये सब लैंग्वेज में भी उनका इंटरेस्ट बढ़ा, और इनको रोमांटिक पोएट्स में बड़ा इंटरेस्ट आता था, खास करके स्पेशली शैले में, तो उनको एडमायर करते थे ये। शैले को फॉलो करते करते रॉबर्ट ब्राउनिंग खुद एक एथीस्ट बन गए और वेजिटेरियन बन गए। 16 साल की एज में कॉलेज भी ज्वाइन किया, लेकिन एक साल बाद छोड़ दिया। आगे ऑक्सफर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनके फादर और मदर की फेथ की वजह से ये नहीं पढ़ सके। दोस्तों इनकी मदर से जो इनको म्यूज़िकल एबिलिटीज़ मिली थी, उनसे इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स को कंपोज किया। और लिटरेरी करियर की बात करें तो लिटरेचर के लिए यानी पोएट्री के लिए इन्होंने अपना फॉर्मल करियर छोड़ दिया था। अब करियर छोड़ दिया था तो कमाई वगैरह भी नहीं थी। 34 ईयर्स की एज तक रॉबर्ट ब्राउनिंग अपनी फैमिली के पैसों पर डिपेंडेंट थे, जब तक कि इन्होंने एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग से शादी नहीं कर ली, तब जाके ये सेल्फ डिपेंडेंट बने। ऐसा ही एनवायरनमेंट था। इनके फादर इनकी पोएम्स को पब्लिश करवाने के लिए खुद स्पॉन्सर करते थे। फिर मार्च 1833 में इन्होंने अपना एक वर्क पॉलाइन अ फ्रैगमेंट ऑफ अ कन्फेशन नाम का वर्क पब्लिश करवाया था बिना किसी नाम से। अब ये एक लॉन्ग पोएम थी, उन्होंने शैले को ट्रिब्यूट की थी ये पोएम, क्योंकि वो शैले से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। लेकिन इस वर्क की ज़्यादा कॉपीज़ नहीं बिकी। फिर 1834 में शेवलियर जॉर्ज के साथ मिलकर इन्होंने अपना एक वर्क था पैरासेल्सिस नाम का, उस पर काम शुरू किया। फिर 1835 में इसको पब्लिश करवाया गया, तो इन्हें कुछ कॉमर्शियल और क्रिटिकल सक्सेस मिली। उस टाइम पर इनको वर्ड्सवर्थ, चार्ल्स डिकेंस, जॉन स्टुअर्ट मिल, टेनिसन, इन सब ने नोटिस किया। दोस्तों ये वर्क जो था ये एक मोनोड्रामा था जिसमें कोई एक्शन नहीं था, और ये ड्रामा डील करता था इंटेलेक्चुअल्स से, मतलब जो इस सोसाइटी में अपना रोल ढूंढ रहे हैं उन इंटेलेक्चुअल्स से। और इस वर्क के आने के बाद में इस वर्क ने लंदन की लिटरेरी वर्ल्ड में अपनी जगह बना ली। रिजल्ट क्या हुआ कि इनके कॉन्टैक्ट्स बढ़े और विलियम चार्ल्स मैकरेडी नाम के एक एक्टर ने इनको इन्वाइट किया कि आप प्ले लिखो। तब दोस्तों इन्होंने अपना एक प्ले लिखा था स्टैफर्ड नाम का, जिसको 5 बार परफॉर्म किया गया। फिर ब्राउनिंग ने 2 और प्लेज लिखे, लेकिन उनको परफॉर्म नहीं किया गया। ब्राउनिंग इस टाइम पर ड्रामा लिखने में फेल हो गए थे, उनका ड्रामे वाला करियर नहीं चल रहा था। अब इसके बाद क्या हुआ, रॉबर्ट ब्राउनिंग गए 1838 में इटली। अपना सॉर्डेलो नाम का एक वर्क था, एक लॉन्ग पोएम थी दोस्तों, और इस पर 7 साल ब्राउनिंग ने काम किया था। हेरोइक कपलेट में इसको लिखना चाहते थे, तो इसका बैकग्राउंड ढूंढने के लिए इटली गए। वहाँ पर 7 साल इन्होंने इस पर काम किया, और जब इसको पब्लिश करवाया, इसके पब्लिश होने के बाद में इनकी केयरलेसनेस पर बहुत सारे कमेंट्स हुए, क्योंकि दोस्तों ये पोएम जो है इंग्लिश लिटरेचर में कुछ सबसे हार्ड पोएम्स में से एक है, इसकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही थी। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने भी इस पर कमेंट किया।
मुझे बस इस पोएम की दो ही लाइनें समझ में आई, फर्स्ट और लास्ट। अब 1841 से 1846 के बीच में जो इनकी रेपुटेशन थी वो फिर से खड़ी होने लगी, जो गिर गई थी वो फिर से खड़ी होने लगी जब इनका वर्क बेल्स एंड पोमेग्रेनेट नाम का वर्क पब्लिश हुआ। फिर इसके बाद क्या होता है, 1845 में रॉबर्ट ब्राउनिंग, उस वक्त की एक वेल नॉन पोएटिस्ट थी एलिजाबेथ बैरेट, उनके साथ, वो जो उनसे 6 साल बड़ी थी, उनके साथ में ज़्यादातर घुलने मिलने लगे थे ये, उनके बीच में रोमांस बढ़ता गया, फिर इन्होंने शादी कर ली। ये इटली भी गए, उस वक्त एलिजाबेथ की तबीयत ठीक नहीं थी। शुरुआत में इन्होंने सीक्रेटली रखा अपनी शादी को, क्योंकि एलिजाबेथ के फादर बहुत घमंडी थे और स्लेव ऑनर थे वो एक, वो इस शादी को मान नहीं रहे थे कि मैं अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं दूंगा ऐसा करके। फिर उस वक्त तक ये हस्बैंड वाइफ थे, तो ब्राउनिंग के कहने पर एलिजाबेथ ने अपने पोएम्स का सेकंड एडिशन पब्लिश करवाया था, जिसमें उनकी लव सोनेट्स भी शामिल थी दोस्तों। और उस वक्त एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के इस वर्क को पब्लिश होने के बाद में इनको बहुत पॉपुलरिटी मिल गई, यूके तो यूके, यूएस में भी मिल गई। फिर इस वक्त एलिजाबेथ की पोजीशन बढ़ गई विक्टोरियन एज के कुछ बड़े पार्ट्स में। फिर 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद में इनको कंसिडर किया गया पोएट लॉरेट बनाने के लिए, इनको भी कंसिडर किया गया था, फर्स्ट वुमेन जिनको पोएट लॉरेट बनाने की बात हुई थी, लेकिन फिर टेनिसन बने। अब दोस्तों, इनकी शादी से लेकर एलिजाबेथ ब्राउनिंग की डेथ तक ये दोनों हस्बैंड वाइफ इटली में ही रहे। इनका बेटा भी हुआ जिसका नाम भी रॉबर्ट बैरेट ब्राउनिंग रखा गया, जिसको ये पेन बुलाते थे, ये उसका निक नेम था पेन। इस टाइम पर दोस्तों ब्राउनिंग ने इटली के माहौल से बहुत कुछ सीखा और ये इटली को अपनी यूनिवर्सिटी मानते थे, और ये एलिजाबेथ बैरेट से शादी के बाद में ही सेल्फ डिपेंडेंट हुए थे। इन दोनों की रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी थी। इटली में फ्लोरेंस में 1853 के आसपास ब्राउनिंग ने अपनी 2 वॉल्यूम्स मैन एंड वुमेन इस पर काम करना शुरू किया। ये बहुत ही फेमस वॉल्यूम है दोस्तों। 1855 में ये पब्लिश हुई, फिर थोड़ी सी चली। 1861 में एलिजाबेथ की फ्लोरेंस में डेथ हो गई। इसके बाद ये अपने बेटे पेन के साथ में लंदन आ गए, वहाँ पर अपना घर बनाया, लेकिन ये इटली जाते रहते थे। अब धीरे धीरे इनकी रेपुटेशन बढ़ने लगी थी। फिर 1868 में दोस्तों द रिंग एंड द बुक नाम की एक ब्लैंक वर्ड्स में पोएम पब्लिश करवाई थी इन्होंने, जो कि बहुत ही लंबी पोएम है और इसमें बहुत सारे ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं, और दोस्तों ये इनका सबसे ग्रेट वर्क माना जाता है। बड़ी मेहनत के बाद ब्राउनिंग विक्टोरियन पोएट्स में ऊपर आए थे। लुइसा कैरोलाइन से इनके अफेयर थे, उनसे इनको मैरिज प्रपोजल मिला था, लेकिन फिर ये फिर से शादी नहीं करना चाहते थे। फिर ये अपनी वाइफ की कब्र पर गए और 1889 में इनकी डेथ हो गई। अब एसोलैंडो इनकी लास्ट वॉल्यूम थी दोस्तों, जो इनकी डेथ के दिन ही पब्लिश हुई थी। वेस्टमिंस्टर एबे में इनको दफनाया गया, टेनिसन और इनकी कब्र आसपास है। इनके बाद इनके एडमायरर्स थे हेनरी जेम्स, ऑस्कर वाइल्ड, जॉर्ज बर्नार्ड शो, एज्रा पाउंड, व्लादिमीर नाबोकोव और दूसरे राइटर्स। इनकी क्रिटिकल रेपुटेशन बढ़ी है इनके ड्रामेटिक मोनोलॉग्स की वजह से। थॉमस हार्डी, रुडियर्ड किपलिंग, एज्रा पाउंड, टी एस एलियट, इन सब ने ब्राउनिंग की ड्रामेटिक पोएट्री से और ईडियम्स से बहुत कुछ सीखा है। ऑस्कर वाइल्ड ने इनके लिए बोला है कि ब्राउनिंग एक मोस्ट शेक्सपियरियन क्रीचर थे, उनको एक पोएट नहीं बल्कि फिक्शन राइटर की तरह याद किया जाएगा, मोस्ट सुप्रीम फिक्शन राइटर। लेकिन ब्राउनिंग की लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट होती थी, इसलिए क्रिटिक्स ने उनके टाइम पर उन्हें बड़ा क्रिटिसाइज किया। बात करूं एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की, तो उनको भी दोस्तों स्लेवरी से बहुत नफरत थी। उन्होंने अपनी 2 पोएम्स स्लेवरी पर लिखी हैं। अच्छी बात ये थी कि 1833 में स्लेवरी ख़त्म हो गई थी उस वक्त विक्टोरियन एज में, और एलिजाबेथ के फादर को लगता था कि यह स्लेवरी ख़त्म नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। दोस्तों इस मामले में एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग पर असर था मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का और उनके वर्क विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये उनकी स्ट्रांग सपोर्टर बन गई थी कि स्लेव औरतों के साथ में उनकी मालिक रेप करते हैं, उनको प्रेग्नेंट कर देते हैं और उनको कोड़े मारते हैं। तो एलिजाबेथ खुद भी वेस्ट इंडियन स्लेव होल्डर फैमिली से होते हुए भी ये स्लेवरी से नफरत करती थी। लंदन में अपने एक कज़न के थ्रू इनकी मुलाकात हुई थी वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, टेनिसन, रसल, इन सब से। दोस्तों एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, मैंने आपको बताया था, अपने लाइफ टाइम में यूके और यूएस दोनों जगह पर पॉपुलर थी। एडगर एलन पो ने इनकी पोएम लेडी जेरल्डाइन कोर्टशिप पोएम से इंस्पायर हुए थे और
उसका उस पोएम का मीटर उन्होंने अपने एक वर्क द रावन इसमें भी यूज़ किया है और उन्होंने इनके वर्क्स का रिव्यू किया था। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने दोस्तों एमिली डिकिंसन को भी बहुत इन्फ्लुएंस किया है, वो इनको वुमेन ऑफ अचीवमेंट बोलकर इनकी तारीफ किया करती थी, इनको एडमायर करती थी। इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने का एक रीज़न ये भी था, सोशल इनजस्टिस के खिलाफ लड़ती थी। लिलियन विटिंग ने इनकी बायोग्राफी को पब्लिश करवाया है दोस्तों और उन्होंने इनको द मोस्ट फिलोसॉफिकल पोएट बोला है। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही।